एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब? तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये बाल बाल मेरे खड़े हो रखे हैं, तो आगे ब्लॉग देखने के बाद आपको पता चलेगा कि मैं आज गंगा स्नान करके आई हूँ और स्कूटी पे आई हूँ, इसलिए बाल बाल सारे मेरे ख़राब हैं। घर पे आकर के पहले मैंने बच्चों को छोड़ के गई थी, डैडी जी के साथ थे वो। वैसे जब मैं गई थी तब वो सोए ही थे, फिर उसके बाद जब मैं घर पहुंची तो वो उठ गए थे, फिर उनको मैंने स्कूल छोड़ा। वो सब चीज़ें तो मैं कैप्चर नहीं कर पाई क्योंकि सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी हो रहा था। और हाँ, फिर उसके बाद अभी तक मैंने घर की साफ़ सफाई कोई भी काम नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी। जितना मैं एक्साइटेड थी कुंभ में स्नान करने के बाद, मुझे उतनी ही एक्साइटमेंट थी आप लोगों के साथ ब्लॉग को शेयर करने की। और मैं आज सवेरे 3 बजे की उठ गई थी। 3 बजे उठने के बाद फिर 4 बजे बस ली और वहाँ पे पहुँच गई। फिर उसके बाद अभी तो मैंने सिस्टर को ही बोला क्योंकि उसे भी ड्यूटी के लिए यहीं पे आना था सरकाघाट, तो उसके साथ ही फिर मैं आ गई। और फिर वो थोड़ा मतलब टाइम से जल्दी आ गई मेरे को छोड़ने के। उसमें मैंने सोचा सबसे पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ, उसके बाद ही घर का बाकी का काम करूँगी। तो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, अभी भी यहाँ पे तूफान चला हुआ है। चलो मैं दिखाती हूँ, रखा है सारा घर वैसे का वैसा ही फैला हुआ है। और ये देखिए तूफान का नज़ारा बाहर को आपको दिखाई देगा, तो बहुत ज़्यादा तूफान अभी चला हुआ है। फिर से तरह से भीग चुकी थी पर अभी कपड़े सूख चुके हैं, मैंने चेंज वेंज कुछ भी नहीं किया। इवन तक बता रही हूँ ना कि ऐसे ही बैठ गई आपके साथ बात करने, भी बाल भी ऐसे ही हैं वैसे ही बिखरे पड़े उड़े हुए क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं था। और बच्चों को छोड़ा पहले और उसके बाद फिर मुझे एडिटिंग का काम करने में लग गई। तो पहले सोचा कि आपके साथ ही बात बात करके ब्लॉग को स्टार्टिंग और फिनिश दे देती हूँ अच्छे से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी जिन्होंने मुझे लिखा था कि मैं ये दरिया शेयर करूँ आपके साथ, क्योंकि उन्हीं की वजह से शायद मैं भी गई वहाँ। तो अभी के लिए इतना ही। ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया कीजिए। तो बस अब बाकी आप ब्लॉग खुद ही देख लीजिए। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ जा कर के स्नान करके, बहुत इंजॉय मैंने किया। बाकी आपको ब्लॉग कैसा लगेगा वो फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत यहीं से हो रही है और मैं जा रही हूँ कांडापतन मिनी हरिद्वार हम इसे बोलते हैं, और ये रास्ते का कुछ व्यू है। इसके बाद अब हम पहुँच गए हैं, ये कांडापतन यही है वो मंडी का दरिया, ब्यास नदी इसे बोलते हैं। और देख सकते हो आप गाड़ियाँ लग गई हैं, सुबह सुबह ही यहाँ से लोग स्नान करके निकल गए हैं कुछ लोग, और कुछ आ रहे हैं। रात को यहाँ पे बहुत बड़ा जगराता हुआ था तो कुछ एक लोग रात को ही आ गए थे और फिर सुबह सुबह ही स्नान करके चले गए हैं। और मैं भी अब पहुँच गई हूँ, मेरे साथ मेरे मम्मी पापा और मेरी भाभी के मम्मी पापा भी आए हुए हैं। तो ये देख सकते हो आप, ये है नज़ारा यहाँ का। तो अब हम भी पहुँच गए हैं और जा रहे हैं पहले सीधे ही स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए गंगा में। यहाँ पे आप देख सकते हो दरिया में ये दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये स्नान कर रहे हैं और डुबकी लगा रहे हैं। पानी हालांकि बहुत ज़्यादा ठंडा है और नज़ारा आप देख ही रहे हो कि बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ का नज़ारा है। और मिनी गंगा क्यों बोलते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे। यहाँ के ही स्थानीय लोगों की जुबानी आपको सारी की सारी कहानी सुनने को मिलेगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ। और बहुत ही मज़ेदार ये ब्लॉग है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही इंजॉय मैंने किया। तो सबसे पहले डुबकी लगाते हैं दरिया में, और उसके बाद फिर ये जो आप किश्ती देख रहे हो इसमें लोग दरिया पार तक जाते हैं और फिर से वापस आ जाते हैं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं बहुत एक्साइटेड भी थी, इस तरह से लोकल किश्ती में मैं कभी नहीं बैठी थी, आज फर्स्ट टाइम ही यहाँ पे मैं बैठी हूँ। और इसके बाद फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ, यहाँ पे फिर महिलाएं स्नान करने के बाद पूजा वगैरह कर रही हैं, जिस तरह से गंगा में होता है उसी तरह से सेम टू सेम, क्योंकि मैं तो कभी हरिद्वार गंगा गई नहीं हूँ लेकिन मम्मा मेरे को बता रहे थे। और फिर ये है मंदिर, यहाँ पे जो भी घर से कनिवर्ता या कुछ भी लेके आए थे, चावल मैक्सिमम यहीं पे दान कर रहे थे, तो वो सब चीज़ें। और इसके साथ आप यहाँ का ये पूरा का पूरा व्यू मैं आपको दिखा रही हूँ एक बार। और इसके बाद फिर यहाँ पे जो भी औरतें स्नान करके आ रही थी, फिर वो जब पूजा वगैरह कर रही थी यहाँ के स्थानीय लोकल गीत वगैरह भक्ति गीत गा रही थी, तो वो एज इट इज़ मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो आप वो भी इंजॉय कर सकते हो। और साथ ही मैंने थोड़ा सा
किश्ती में भी इंजॉय किया, तो वो चीज़ें मैंने सारा वैसे ही रिकॉर्ड की हुई हैं आपको दिखाने के लिए। और देखिए ये बूढ़े और बीमार लोग जिस भी कंडीशन में हैं, बहुत मान्यता है क्योंकि लोगों की गंगा ही इसे मानते। तो अभी हम भी जा रहे हैं पूजा करने, डुबकी लगा के हम आ गए हैं और फिर उसके बाद ये पूजा कर रहे हैं। इसके बाद क्योंकि सबसे पहले डुबकी लगाते हैं, फिर पूजा करते हैं, उसके बाद फिर किश्ती से पार दरिया का एक नज़ारा, एक राउंड लगा करके आते हैं। तो वैसे वैसे ही, और ये देख सकते हो ये लेडीज़ बीमार हैं फिर भी हाथ में लगा हुआ है ड्रिप, और फिर भी यहाँ पे आए हुए हैं। तो सुन लीजिए आप इनकी, ये लोकल गीत गा रहे हैं। बहुत तूफ़ान जैसा चल रहा था, आवाज़ अच्छे से नहीं आ रही थी। तो इसके बाद फिर ये देखिए, ये पूजा करने के बाद किश्ती में लोग जाते हैं, तो हम भी पूजा कर रहे थे यहाँ पे, और अब हम भी बस, मुझे तो बहुत एक्साइटमेंट हो रहा था कि जल्दी जल्दी से चलो, मुझे भी इसमें किश्ती में बैठना था। तो बस पूजा करके अब फिर हम डायरेक्ट वहीं पर जा रहे हैं। और ये फिर से आप देख सकते हो, ये है दरिया का नज़ारा। और अब आ गई है हमारी भी टर्न, क्योंकि यहाँ पे भी बारी बारी नंबर लगाना पड़ रहा था, बहुत भीड़ भड़ाका था, किश्ती में बैठने के लिए भी नंबर लगाना पड़ रहा था। तो क्योंकि मुझे भी अपनी यादें संभाल के रखनी थी, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा ये सेल्फ़ी के साथ कैप्चर किया है यहाँ पे। और फिर जब किश्ती में जाते हैं तो यहाँ लोकल जो गीत होते हैं वो गाते हुए चलते हैं। तो बाकी आप सुन लीजिए, यहाँ पर भी गाना गा रहे थे लोकल गीत। तो अभी सूरज भी निकल आया है, और सेल्फी से वीडियो बनाते बार मुझे डर लग रहा था कहीं फ़ोन हाथ से गिर ना जाए, इसलिए फिर मैं इस तरह से बनाने लगी। तो कुंभ से रिलेटेड जो जो काम थे वो हमने सारे निपटा लिए हैं, और इसके बाद थोड़ी सा आप ये नज़ारा देख लीजिए। और फिर अब मैं यहाँ के स्थानीय लोगों की जुबानी ही आपको सुनाती हूँ कि क्या है ये सारी स्टोरी, क्यों बोल रहे हैं मिनी हरिद्वार, क्या वाकई ये हरिद्वार है या क्या है। तो सुन लीजिए आप। पांडव लोग जब हरिद्वार बनाना शुरू किया था, सृष्टि संसार की रचना शुरू की थी, तब यहाँ पर कांडापत्र में उन्होंने
ढाई पौड़ी सोने की लगाई और उखड़ चाकी सूप टोकरू बनाए और पांडवों ने आज भी वो पत्थर सिर के ऊपर उठा रखा है और पांडव लोग खड़ा हुआ है। यहाँ से 2 किलोमीटर आगे बियाबान जंगल में सूप टोकरू रखे हुए हैं उन्होंने, ठीक है, और यहाँ से 2 किलोमीटर आगे धर्मपुर की ओर बीच खड्ड में चुगल तंबाकू पीने की कटोरी में पड़ता है चुगल वो रखा हुआ है और आज भी उसको हजारों लोग देखने के लिए जाते हैं और वो आज भी मौजूद है। उसके नीचे बड़े बड़े पत्थर पहाड़ बीच खड्ड में थे वो भागे, लेकिन कितनी बड़ी खड्ड आई वो चुगल वहाँ का वहाँ ही रहा। अच्छा जी। और जब उन्होंने ढाई पौड़ी सोने की यहाँ पर लगाई तो यहाँ से 5 किलोमीटर आगे बियाबान जंगल में एक बूढ़ी माई रात को 2:30 बजे उठ गई और उसने धान कुंडना शुरू कर दिया। जब उसने धान कुंडना शुरू कर दिया तो पांडव लोग गया उन्होंने कारोबार अपना छोड़ दिया और ढाई पौड़ी जो वहीं को वहीं रह गई। तो उन्होंने काम को छोड़कर एक ही प्रस्ताव रखा कि यहाँ पर हम गंगा स्नान का गंगा दशहरे का प्रोग्राम रखते हैं ताकि लोग यहाँ पर गंगा दशहरा बनाते रहे ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ पर हरिद्वार बन रहा था। तो आज वो गंगा 10 तीर्थों का स्नान गंगा दशहरे के दिन पांडवों की देन है जो कि आज हजारों लोग यहाँ स्नान करने के लिए आते हैं और यहाँ 36 पंचायतों का शमशान घाट है जो यहाँ पर बियाबान जंगल होते थे वो आर पार यहाँ से हमारे घर नजदीक है यहाँ 10 किलोमीटर आगे हैं। तो यहाँ पर कोई भी लोग नहीं आते थे, इस टाइम कौन चलता था और धूप में कौन नहीं आता था, लेकिन जंगल होता था। 36 पंचायतों का शमशान घाट है तो यहाँ पर जहरीगिर बाबा रहता था, इसने इस जगह को तप किया हुआ है जो कि आज दिन रात ऐसे सोए रहो शमशान घाट में कोई किसी प्रकार का डर नहीं होता। तो इसलिए ये हरिद्वार बनाया हुआ है पांडवों ने, इस यहाँ से आगे उन्होंने प्रस्थान किया जो हरिद्वार वहाँ बनाया वहाँ उन्होंने हरिद्वार बनाया। बूढ़ी माई उठ गई ना रात को 2:30, उन्होंने रातों रात तैयार करना था हरिद्वार, लेकिन वो बूढ़ी माई उठा उसने धान कुंडना शुरू कर दिए। पहले महिलाओं के लिए बड़ा भाई डर होता था, आज की महिलाओं को तो बड़ा आनंद है। पर ये गंगा ही है, ये गंगा है और यहीं से चलेगी फिर आगे हरिद्वार, यहाँ से वहाँ पर हरिद्वार बन गया और यहाँ नहीं बन पाया, लेकिन पहला हरिद्वार यहाँ ही है। ढाई पौड़ियाँ यहाँ पे सोने की लगी ये भी आज भी। लेकिन देखने वाली बात है कि लोहड़ी के दिन 13 जनवरी को 4 बजे स्नान करो जो आदमी करता है और गुरु को लाल है उसको ढाई पौड़ी दिखाई भी पड़ती है, मक्खी भी लगाए नीचे और आंखें खोल ले। लेकिन जब यहाँ पर घाड़े आती थी लकड़ी आती थी तो यहाँ पर ये कम से कम 20-25 स्लीपर या द्यार के बैठ के नीचे डुबारू थे वो, लेकिन वो दरिया होता था कतरिया हाँ दरिया तरने वाला। उसने बोला जो उसको निकालेगा ठेकेदार ने बोला उसको मैं नाम दूंगा वो दरिया ही है, उसको नक चुपी लगाई और नीचे चला गया। नीचे गया तो उसने देखा ढाई पौड़ी है वहाँ पर, तो उसने बताया नहीं किसी को, बाहर निकला और थोड़ू टांग के लिया और उनके पास चला गया निकालने के लिए। जब उसके पास निकालने के लिए गया तो पौड़ियाँ आगे आगे चलती गई, उसके हाथ में नहीं आई, तब प्रूफ हुआ कि वाकई यहाँ ढाई पौड़ी सोने की। अच्छा, पक्का प्रूफ है। धन्यवाद आपका। आप तो यहाँ के स्थानीय लोग ही काम करते हैं यहाँ मंदिर में ही, ये जिनसे आपने ये पूरी की पूरी स्टोरी सुनी। आई होप आपको समझ आई होगी, अगर कहीं पे कोई दिक्कत हुई होगी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, अदरवाइज़ फिर ये है यहाँ की हिस्ट्री और बहुत ज़्यादा मान्यता है यहाँ के लोगों की। इस दिन अभी बहुत सारे लोग स्नान करके चले भी गए हैं तो, और रात को बहुत बड़ा जागरण यहाँ पे हुआ था और तूफान थोड़ा सा आया था तो उस वजह से भी थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे बोल रहे हैं कि हुई थी। और ये लक्ष्मण झूला इसको बोलते हैं, तो ये आप देख पा रहे हो और नज़ारा यहाँ से और भी ब्यूटीफुल लग रहा था तो मैंने सोचा मैं भी एक बार पार तक जा कर के आती हूँ। तो फ़ोन मैंने पापा के हाथ में पकड़ा दिया और मैं फटाफट से एक दौड़ लगा करके वहाँ तक दौड़ के गई और नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल था। हालांकि बहुत देर तक तो मैं यहाँ पे रुक के नहीं ही रही, बस जल्दी से जा कर के आ गई क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था और मुझे घर भी जाना था, बच्चे मैंने छोड़े हुए थे और उनको फिर स्कूल भी भेजना था, इसलिए सब कुछ फिर जल्दी जल्दी ही था मेरे लिए। और मम्मी पापा को भी क्योंकि बारिश हो गई थी तो आज उनको भी खेती के लिए वो जाएंगे।
बारिश के बाद ही खेती का काम स्टार्ट होता है। तो एक बार फिर से मैं आपको ये व्यू दिखा देती हूँ और बहुत ही प्यारा लगता है यहाँ से। मैं तो ये देख रही थी कि जैसे गोवा का नज़ारा है ना, तो उससे भी ब्यूटीफुल ये नज़ारा लग रहा था, क्योंकि गोवा में हम ये पहाड़ वगैरह ये चीज़ थोड़ी सी मिसिंग होती है। और यहाँ पे तो आप देख ही सकते हो चारों तरफ हरियाली हरियाली। और ये मैं आपको गांव दिखाना चाहूँगी। तो यहाँ से स्कूल के बच्चे डेली आते हैं, इस दरिया को पार करके किश्ती से ही पार करके आते हैं। और यहाँ पे स्कूल है जो कि मैंने पापा की रिटायरमेंट पे दिखाया था, पापा वहीं पे टीचर थे तो वहाँ पे वो जाते हैं। और ये आगे, अब ये इसको देख के तो आप पक्का सोचोगे कि ये शिमला का है, लेकिन ये शिमला नहीं है, ये धर्मपुर है। 2013 या 14 में यहाँ पे बहुत बड़ी बाढ़ आई थी और सब कुछ तहस नहस हो गया था। तो उसके बाद भी अभी आप देख सकते हो कितनी अच्छी डेवलपमेंट यहाँ के जो मंत्री हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, उन्होंने यहाँ पर की है। तो कुछ लोग शादी वाले वीडियो में पूछ रहे थे, तो जी हाँ, यहाँ के जो मंत्री हैं श्री महेंद्र सिंह ठाकुर, वही शादी में भी आए थे। और बस इसके बाद अब हम आगे हैं, अपने धर्मपुर के साथ एक सेल्फी लेना तो बनता ही है। इसके बाद अब हम पहुंच गए हैं, ये मेरी मम्मी का घर रास्ते में ही है। और इसके बाद फिर मैं आगे अपनी सिस्टर के साथ ही जा रही हूँ उसकी स्कूटी पे, क्योंकि वो जल्दी फिर मुझे छोड़ देती, वो वहीं पे जा रही थी, सरका घाट में ही उसकी ड्यूटी है। बस यहाँ पे हम थोड़ी सी गपशप कर रहे हैं, बता रहे थे, इधर आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कैसा इन्जॉय हमने किया। और अब हम चल पड़े हैं घर की तरफ, बच्चे मुझे तैयार करने हैं अभी स्कूल के लिए। लेकिन रास्ते में बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई और फिर हमें कुछ देर के लिए रास्ते में ही रुकना पड़ा। बारिश स्टार्ट हो गई, अब हम यहाँ पे रुक रहे हैं थोड़ी देर के लिए। बहुत बुरे हालात हो गए एकदम से ही, बारिश, इतना ज़्यादा मौसम ख़राब, हमें रुकना पड़ा। यहाँ लगा दी हमने स्कूटी और बस बारिश हो रही है एकदम बहुत तेज़, और मैं तो बहुत बुरी तरह से कांप रही हूँ, ठंड मुझे लग रही थी। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।